सिलसिला में पहली बार आए बाबा की? नहीं नहीं, इससे पहले सिकंदरा के पास करमा गांव में अगले वर्ष हुआ था सहस्त्र चंडी, 1000 चंडी का पाठ हुआ था, उसमें उपाचार्य का पद हमें मिला था। वहाँ भली भांति हम सब सनातन धर्म के प्रति निष्ठापूर्वक आपने कर्म को किया। ये जगह ग्राम चौठा है, खड़कबारा इसका मूल ग्राम है और चौठा ग्राम में ये रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। पहली बार यहाँ पे किया जा रहा है? हाँ, ग्राम चौठा में पहली बार मैंने यज्ञ का मैंने जुगो जुग शुरुआत हुआ है, मैंने अभी तक कभी नहीं हुआ था। मेरा नाम वेदमूर्ति अंकुर कुमार पांडे है। कहाँ से है बाबा जी? वो भी मैं काशी विश्वनाथ जी से वाराणसी से हूँ, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से। बाबा जी आप किस पर्पज से यहाँ पे आए, आपका उद्देश्य क्या है, किस कारण यहाँ पे आपका मौजूदगी? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यह जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है, हम लोग जो संकल्प किए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हमारे इस भारत वर्ष में सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरामय हो, सभी लोग देख सके भगवान, जो आँख दिए भगवान सभी लोग देख सके और 100 वर्ष की आयु सबकी हो, ऐसा हम भगवान श्रीमन लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करते हैं। इसी सदुद्देश्य से यह कार्य चल रहा है। बाबा जी आपने जो है सन्यासी बाबा है या सिर्फ बाबा जी आप सिर्फ भागवत कथा बोलते हैं? नहीं, मैं यज्ञ भी करवाता हूँ, जो कि 2020 में 1212 कुंड विराट ब्रह्म महायज्ञ हुआ था, वहाँ भी आचार्य तुम्हें में किया था और आने वाले समय में अयोध्या में 2024 में 10,000 कुंडी है जो कि राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में होगा। और परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी महाराज जी का मैं परम शिष्य हूँ, उन्हीं के जो कि भारत में जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो कोषाध्यक्ष है वहाँ के, मैं उनका परम शिष्य हूँ और मैं वाराणसी से आया हूँ। बाबा जी आपने पहली बार लखीसराय जिला में आएंगे, कई बार और आपको आना हुआ था? नहीं, हम बहुत बार इस लखीसराय जिला में आ चुके हैं और इससे पहले अब हम बहुत जगह यज्ञ करा चुके हैं। कितना जगह अभी तक बाबा जी आपने करवा चुके हैं? हमसे 35-40 से पूरा ऊपर हो गया है। लखीसराय जिला में आपने कितना जगह करवाया? लखीसराय में 10वां यज्ञ है ये। बाबा जी आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी के डेट में बहुत सारे धर्म को लोग मानते हैं, कुछ शिवचर्चा को मानते हैं, तो कुछ भागवत को मानते हैं, तो कुछ अल्लाह को मानते हैं, कुछ कि हमारा भारतवर्ष जो है, सबसे पहले भारत जो है हिंदू है, हिंदुस्तान है और सत्य सनातन धर्म है जो कि बहुत पौराणिक धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे ऊंचा धर्म है, बाकी सब पंथ है। तो जो अभी के डेट में अलग अलग धर्मों को लोगों ने मान रहा है बाबा जी, उसमें समाज जो है रास्ता भटक रहे हैं, वैसे लोगों को किस तरह? श्रीमद् भगवद गीता में उसमें आया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़ करके हमारे शरण में आओ, मामेकं शरणं व्रज, हमारे शरण में आओ, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं आप सब लोग का पाप से मुक्त कर दूंगा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुचा। और जो हमारे शरण इस सनातन धर्म का अनुरागी करता है, जो अनुपालन करता है, उसका हरेक प्रकार मोक्ष होगा और सदैव कल्याण होता है। तो बाबा जी आपने अपने टीम में कितने लोग हैं? हम 12 लोग आए हैं। 12 लोग आप हर जगह अपने टीम में साथ? हाँ, 12 लोग हर एक जगह रहते हैं। तो साथियों अभी देख सकते हैं कि आप बाबा जी जो काशी से आए हुए, उनसे कुछ अनुभव लिए, कुछ जानकारी लेने का कोशिश किए कि धर्म क्या है, कौन सा धर्म को लोग को मानना चाहिए। और हमारे साथ में कुछ बाबा जी हैं, थोड़ा सा आप भी बाबा जी अपना नाम बताएंगे क्या? मेरा नाम सर अंकुशनाथ शास्त्री, वाराणसी काशी से आया। आप भी काशी से आए हैं बाबा जी? कितने दिन से बाबा जी आप जो है भागवत कथा में रमे हुए हैं? ना, मैं भागवत कथा करता हूँ, मैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता का पढ़ाई करके वेद की सेवा में पूरे भारत वर्ष में परिभ्रमण करता हूँ और यज्ञ पूजन आदि में मैं भाग लेता हूँ। कितने दिन के लिए बाबा आप यहाँ पे आए हैं? मैं यहाँ पे 11 दिन के लिए आया हूँ जी, जो कि फर्स्ट दिन जो है जल यात्रा हुआ 6 तारीख को, फिर आज पुनः 7 तारीख से जो है मंडप प्रवेश का पूजन, कन्या पूजन एवं अग्नि प्राकट्य, मंडप पूजन, वेदी पूजन से प्रारंभ होकर यह 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 15/5/2023 को संपन्न। नाम गणेश दत्त पांडे, चप्पल नीचे जी जी। हम भी यज्ञाचार्य यज्ञ कराते हैं जी जी, वेद पढ़ाते भी और भावातीत ध्यान का योग से ध्यान भी लोगों को पहुंचाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं। अपने सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने हेतु आज हम विश्व कल्याणार्थ हेतु श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में यहाँ पहुँचे हैं। कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हैं बाबा जी? यहाँ एकादश दिन लखीसराय में पहली बार आए बाबा जी? नहीं नहीं, इससे पहले सिकंदरा के पास करमा गांव में अगले वर्ष हुआ था सहस्त्र चंडी, 1000 चंडी का पाठ हुआ था,
उसमें उपाचार्य का पद हमें मिला था। वहाँ भली भांति हम सब सनातन धर्म के प्रति निष्ठापूर्वक अपने कर्म को किए। धर्म को कौन सा धर्म को समाज माने बाबा, जिनका कि उद्धार हो सके? अभी समाज में आपको पता ही होगा कि अलग अलग धर्म को लोगों ने मान रहा है। धर्म तो आपका सनातन से ऊपर कोई धर्म नहीं है, इससे जितने भी नीचे हैं सब धर्म नीचे हैं। कई धर्मों का लोग ने सब बोलते हैं बाबा नहीं, सब पंथ है, सब पंथ हैं, धर्म वाली सनातन है, सनातन से ही ये फूटा हुआ है, उससे शाखा मेन रूपी वृक्ष जो है सनातन है, उससे सब शाखा टूटा फूटा हुआ है, जो कि पंथ बन गया है, जुना अखाड़ा, फलना अखाड़ा, फलना अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़ा हैं, लेकिन अपना धर्म जो है सनातन धर्म है, इसको मानना चाहिए, सनातन सबों को मानना चाहिए, ये सबों के लिए हितकारक। आप भी काशी से हैं बाबा, तो आए हुए काशी के जो भी बाबा जी हैं उनसे हम जानकारी लेने का कोशिश किए, और हमारे साथ में तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थायी निवासी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? हम तो यहाँ गांव, मेरा गांव में ही जग हो रहा है, ग्राम चौथा मेरा घर हुआ। कितना लाख का जग है यहाँ पे और कितने दिन जग चलेगा? जग तो 9 दिन चलेगा और लाख तो गिनती नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जगह पर यहाँ जग हो रहा है कि सभी लोगों को यहाँ शामिल होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप आए यहाँ, आपको मेरी और मेरे यज्ञ कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ देकर हम लोग को ये। तो एक चीज से हमको जानकारी दें, यहाँ पे ये भी पता चला कि कथावाचक कहीं बाहर से भी आए हुए हैं। जी राधा जी, हमारे यहाँ कथावाचक जो है वो राधा किशोरी जी हैं, वो अभी आए हुए हैं, 8 बजे से उनका प्रोग्राम है, संध्या के 8 बजे से। मैं आप पूरा आग्रह करता हूं कि आप पुनः आइए एक बार, उनसे भी थोड़ा सा। कितने दिन यहाँ पे कथावाचक का यहाँ पे प्रोग्राम है? 8 दिन का प्रोग्राम है, 8 दिन वो रहेंगे, 8 दिन जो है श्रीमद् भागवत का कथा होगा, और उनके साथ जो रासलीला का जो प्रोग्राम रहेगा वो सारा सिस्टम, मैंने जो वो बोलेंगे, मैंने जो गाएंगे, मतलब जो वाचन करेंगे, उनका दृश्य भी मैंने दिखाया जाएगा। मैंने 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए है। तो यहाँ पे और क्या है जग में? कोई अनजान आदमी के आने जाने का, रहने का क्या व्यवस्था यहाँ पे किया है? रहने के लिए व्यवस्था है, सब लोग आए हैं, सब लोगों के लिए यहाँ आवास का भी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, झूला है, और यहाँ सारा व्यवस्था है, शरबत पानी, जो भी लोग आएंगे आप सभी का इस महायज्ञ में मैंने स्वागत है। तो साथियों, लगातार मैंने यहाँ पे जानकारी लेने का कोशिश की, जगह का थोड़ा सा नाम बता दीजिए। ये जगह ग्राम चौठा है, खड़कबारा इसका मूल ग्राम है, और चौठा ग्राम में ये रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। पहली बार जगह यहाँ पे किया जा रहा है? हाँ, ग्राम चौठा में पहली बार मैंने यज्ञ का मैंने जुगो जो शुरुआत हुआ है, मैंने अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो साथियों, हम लगातार यहाँ के जो भी स्थायी निवासी हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झूला भी आप देख सकते हैं, और तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडप भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है सजावट, हम अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तमाम बाबा जी यहाँ पे काशी से आए हुए हैं पूजन के लिए यहाँ पे, और जैसा भी होगा हम लोग आगे भी अपडेट देने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।